जनरली रेनी सीजन में जो रस्ते पे लोग चलते नहीं है फ्रीक्वेंटली, वो रस्ते पे क्या हो जाता है, बड़े बड़े घास आ जाते हैं। ऑब्जर्व किया है ना, अगर वो रस्ते पे आप चले नहीं बरसात के एक दो महीने में, तो बड़े बड़े घास आ जाएंगे, रास्ता ही ढक जाएगा, रास्ता है करके पता भी नहीं चलेगा। तो उसका तुलना हो रहा है जो ब्राह्मण है, जो नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता या अपने नियमों का पालन नहीं करता, उसके मन में माया के अलग अलग बड़े बड़े घास आ जाते हैं। उसका जो भक्ति है, भगवत धाम जाने का जो रास्ता है, वो ढक जाता है। इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं नित्यम भागवत सेवया, नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करना। अगर हमने श्रवण कीर्तन एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक महीना, दो महीना नहीं किया, निश्चित रूप से माया का घास उगेगा, निश्चित रूप से, और हमारा बुद्धि ढक जाएगा। कोई भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। तो इसलिए रेगुलर पठन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम रेगुलरली करेंगे, भक्ति के मार्ग में रहेंगे। अगर नहीं करेंगे, रास्ता ही ढक जाएगा। और जितने देर बाद, जैसे हमारा शराव में हमारा वीड कटिंग मशीन है, अगर पूरे बारिश के वातावरण में हमने कुछ किया नहीं, तीन चार महीना या चार महीना बारिश के बाद ऐसा घास बढ़ जाता है, बाद में बहुत मेहनत होता है कि नहीं, वो रास्ता को साफ करना बहुत मेहनत होता है। तो बेस्ट क्या है, रेगुलरली साफ करते रहो। जो घर की सफाई करते हैं उनको भी पता है, रेगुलर साफ सफाई करेंगे तो कम मेहनत है। आप दो तीन महीना साफ नहीं करेंगे, बाद में ऐसा प्रॉब्लम आएगा ना, झाड़ू उठाने के लिए डर लगेगा, है कि नहीं। तो वैसे ही भगवान की भक्ति नियमित रूप से, स्पेशली पुस्तक पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, मैंने इतने सारे पुस्तक दिए हैं, आप सब लोगों को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए।